हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आशीष टीम 01 में। ये आप देख सकते हैं कि अभी मैं बाहर घूमने के निकले निकला था तो बारिश हो रही है, बीच में फंस गया हूँ। देख सकते हैं आप कितनी बहुत ज़्यादा जोर से बारिश हो रही है। मैं एक मंदिर, हनुमान जी के मंदिर में फंस गया हूँ, देख सकते हैं आप। अब बैक में देख सकते हैं, यहाँ पर मैं खेत में आया था खेत देखने, लेकिन बहुत जोर से बारिश होने लगी इसलिए मैं बीच में फंस गया। अब ना घर जा सकता हूँ ना वहाँ जा सकता हूँ, बहुत बारिश हो रही है और मुझको अपने जहाँ स्टडी करता हूँ वहाँ पर निकलना भी है, टाइम भी हो गया है बस का, लेकिन कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, बारिश बहुत ज़ोर से हो रही है। और अभी इतने 3 घंटे से फंसा हूँ यहाँ पर, एक ही जगह पर बैठा हूँ। ये हनुमान जी का मेरे पीछे देख सकते हैं, हनुमान जी का मंदिर है यहीं पीछे, वो देख सकते हैं आप, यहीं पर हमारा खेत है। तो खेत देखने आए थे लेकिन जोर से बारिश होने के कारण बीच में फंस गए हैं। अब समझ में नहीं आता है क्या करूं, कॉल भी आ रही है कि बस का टाइम हो गया है घर चलो, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर आए हैं तो यहाँ हनुमान जी के मंदिर में छायादान है, वहीं पर बैठे हैं। और ये हमारे दो भाई लोग मिल गए हैं, तो आपको भाई लोग से मिलाते हैं। हेलो भाई, आप क्या करते हो कुछ नहीं, बैठे हैं बस, यहाँ पर, क्या करने आए थे भाई खेलने आए थे। यहाँ बारिश में? अच्छा, नहीं, बारिश अभी थोड़ी देर पहले होने लगी। कहाँ पर रहते हो आप भाई? हम यहीं पर रहते हैं, कुछ दूरी पर हमारा घर है, वहीं पर रहते हैं हम। अच्छा, आप इस गांव के नहीं हो, दूसरे गांव के हो? नहीं, यही इसी गांव के तो हैं, कहाँ पर रहते हो? उस साइड है हमारा घर, माँ। अच्छा, उस साइड है। आप क्या करते हो भैया? हम इधर पे मैच खेलने आए थे, इधर पे फंस गए, कम से कम 3 घंटे से इधर पे बैठे हैं। अच्छा, तो अभी घर नहीं जाओगे आप? घर जब जब जाएंगे, जब बारिश बंद हो जाएगी। जब अच्छा, कितने टाइम तक घर जाओगे? तक बारिश बंद नहीं होगी। यार भाई, मैं खुद फंस गया हूँ, मुझे निकलना है। और यहाँ पर आप रोज क्रिकेट खेलने आते हो? यस यहाँ हनुमान जी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का जी, इतनी सी छोटी सी जगह में आप क्रिकेट खेल लेते हो? जी अच्छा भैया, यहाँ पर आपका खेत है क्या? नहीं, कहाँ पर आपका खेत, कहाँ पर है? हमारा खेत तो और जगह है, हम खेलने के लिए इधर आते हैं। अच्छा भैया लो, तो ये मंदिर कितना साल पुराना है? ये कुल काफी टाइम पुराना हो गया है जी। हम शायद आपके जीवन से पहले, जब आपका जन्म हुआ उसके पहले का है। जी बहुत हम पहले का है। छोटे छोटे थे तो तब भी हम खेलने आए करते इधर, अभी भी आते हैं तो एक बार और खेलने आप ही लोग आते। खेलने आते हो कि और कोई भी खेलने आता है? हाँ, और कोई भी आता है। हमारे दोस्त थे वो पहले चले गए, हाँ, और बारिश होने लगी, वो साइकिल लिए थे, वो चले गए जल्दी, हम अच्छा, तो पैदल आप, थे, हम फंस गए इधर। अच्छा आप फंस गए यहाँ पर। जी और भैया, यहाँ पर यही गंदगी डली रहती है, सफाई नहीं होती यहाँ पर? कभी कभी होती है इधर पे, अभी नई मिट्टी डली है तो यहाँ पे खलाई ऊंचाई है, पानी भर जाता है। पानी भर जाता है, इसके लिए कोई उपाय नहीं है कि पानी निकल जाए? जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पानी कितना भर गया है, कि अगर कोई आए तो गिर भी सकता है। मंदिर में देखिए कितना पानी भर गया है यहाँ पर, कि कोई आए तो गिर भी सकता है। आप देख सकते हैं बारिश बहुत ज़ोर से हो रही है, अब बारिश थोड़ी स्लो भी हो गई है, पानी पानी कम गिर रहा है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि पानी कम हो जाए, मैं घर पे जाने जा सकूँ, क्योंकि बारिश की वजह से मैं जा नहीं सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक खेत है, और इससे थोड़ी थोड़ी दूर चल के तालाब है, बुंदेलखंड का प्रसिद्ध तालाब है, जो 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है बहुत ज़्यादा। यहाँ से करीबन 16 गांव जुड़ते हैं उस तालाब से। अगर तालाब में सूखा पड़ जाए तो पास के जितने भी गांव हैं सूखा पड़ जाता है, खेत में पानी की समस्या हो जाती नलों है, में नलों में पानी की समस्या हो जाती है, और कुएं कुएं में भी पानी की समस्या हो जाती है, पीने की समस्या बहुत हो जाती है, इसलिए बाहर से टैंकर मंगाने पड़ते हैं। किसी दिन अगर दोबारा से गांव आऊँगा तो ज़रूर आपको तालाब लेके जाऊँगा और दिखाऊँगा कि तालाब की क्या समस्या है क्या। अभी खुदाई चल रही थी लेकिन बारिश की वजह से खुदाई बंद हो गई। हेलो दोस्तों, आप जैसे इस सांप को देख सकते हैं, इसका नाम किंग कोबरा है। एक बार जिसको काट ले उसकी मृत्यु 10 सेकंड के ये अंदर हो जाए। यह सांप इस मंदिर में निकला है, अभी आपको हम दिखा रहे हैं। इसका नाम है ब्लैक मैम्बा।
जो कि अल्पीडा परिवार से संबंधित रखता है और 2 से 3 मीटर तक का होता है। यह इतना जहरीला होता है कि एक बार जिसको काट ले उसकी स्पॉट पर डेथ हो जाए। यही मेरा गांव है, इसी से पास 1.5 किलोमीटर दूर रहते हैं भैया लोग, छोटे यहीं खेलने आए थे, बोल रहे हैं फ्रेंड आए थे, वो तो साइकिल से चले गए, वो फंस गए पानी, तो वो बंद होने वाला है, बंद हो जाए तो निकल जाए, शायद कम पानी गिर रहा, क्योंकि मेरी बस भी है तो आज मुझे निकलना भी है गांव से, यहीं देखने आया था मैं। और आप लोग भाई कैसे हो? अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाओ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बाय, कल फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग के साथ।